दोस्तों आज जो मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला वो इनविंसिबल का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो अब बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ओमनी मैन जब अपने बेटे इनविंसिबल को बोलता कि मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, तो मार्क को लगता है कि उसके बाप को कोई कंट्रोल कर रहा है, तो मार्क उस पे हमला करके ओमनी मैन को होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन ओमनी मैन यहाँ पर समझाता है, बेटे मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ, मुझे तुम्हें बताना कि विल्ट्रम वैसा नहीं है जैसा मैंने तुम्हें बताया था। विल्ट्रम पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमने कई सारे विल्ट्रमाइट्स को मार दिया जिससे सभी ताकतवर विल्ट्रम्स बचे, जिसके बाद उन्होंने एक एक करके हजारों गैलेक्सीज पर अटैक किया और उन्हें जीत लिया, पर इससे हमारी संख्या कम हो गई। तो मैजिस्टर ने डिसाइड किया कि सबसे पहले एक विल्ट्रमाइट जाकर प्लैनेट को कमजोर करेगा, फिर बाकी जाकर उसे जीत लेंगे। और इसी महान काम के लिए मुझे प्लैनेट अर्थ पर भेजा गया, लेकिन मेरी मुलाकात यहाँ पर तुम्हारी माँ से हुई और उसके कुछ समय बाद तुम मेरी लाइफ में आए। अब पृथ्वी मुझे मेरा घर जैसी लगने लगी। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर पृथ्वी को विल्ट्रम का हिस्सा बनवाओ। जिस पर मार्क बोलता है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ओमनी मैन बोलता है, पहले मैं जानना चाहता था कि तुम एक विल्ट्रमाइट हो या नहीं। पता है बेटा, हम विल्ट्रम वासी हजारों सालों तक जीते हैं। जब तुम 30 साल के होगे, तुम जिन्हें जानते हो वो सभी मर चुके होंगे। मार्क बोलता है, डैड मैं उन एलियंस को अपने ग्रह पर कब्जा नहीं करने दूंगा जिन्होंने लाखों प्लैनेट्स तबाह किए हैं, और अपने बाप से लड़ना शुरू कर देते। यहाँ पर ओमनी मैन भी अब सीरियस अटैक करने लगता है, पर तभी सिसिल मार्क की मदद के लिए फाइटर जेट भेजता है जो ओमनी मैन पर अटैक करता है। लेकिन ओमनी मैन पलक झपकते एक जेट को तबाह कर देता है जिससे पायलट गिरने लगता है। मार्क जैसे तैसे पायलट को बचा लेता है, तभी वहाँ पर ओमनी मैन आता है और उसका सर फोड़ते हुए बोलता है, बेटा तुम इनके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये आज नहीं तो कल मरने ही वाले हैं। मार्क बोलता है, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर मार्क पर वो जबरदस्त हमला करता है जिससे आधा शहर तबाह हो जाता है। यहाँ पर मार्क एक लेडी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी मारी जाती है। तभी वहाँ पर ओमनी मैन आता है। ओमनी मैन बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मार्क, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। मार्क बोलता है, बेवजह मासूम इंसानों को मारना क्या सही है डैड? क्या आपके लिए मां की लाइफ की भी कोई वैल्यू है या नहीं? ओमनी मैन बोलता है, मेरी नजरिए से देखो तो नहीं। जिस पर मार्क गुस्सा होकर, लैपटॉप आपके सामने रखे, ये देखिए एचपी का बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में i3 लैपटॉप आया हुआ है, और आज के टाइम पे तो हमने रक्षाबंधन पे काफी ऑफर निकाल रखे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन ऑफर हम आपको लैपटॉप के साथ दे रहे हैं। क्या क्या ऑफर होते हैं सर? ऑफर ये देखिए, नंबर एक आपको ब्रांडेड कीबोर्ड मिलेगा इसके साथ, किसी भी लैपटॉप के साथ, कोई भी लैपटॉप आप लीजिए। नंबर दो आपको माउस मिलेगा, एक ब्रांडेड माउस मिलेगा इसके साथ, और नंबर तीन आपको एक स्मार्ट वॉच दी जा रही है। तो ये तीन ऑफर आज हमने निकाले हुए हैं, और ये ऑफर सिर्फ दो दिन के लिए अवेलेबल है। तो दो दिन आप मोस्ट ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए और सबसे ज्यादा आके और इस ऑफर का लाभ उठाएं। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो लाइक और कमेंट करके आता है उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राइस के साथ मिलेगा। अगर अटैक करने लगता है ओमनी मैन बोलता है, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी मार्क, तुम ऐसे ही सीखोगे। और वो आते हुए ट्रेन के सामने मार्क को खड़ा कर देता है जिससे ट्रेन में बैठे सभी लोग मार्क के हाथों से मारे जाते हैं। मार्क बोलता, हो सकता है डैड आप विल्ट्रमाइट बनकर यहाँ पर आए हो, लेकिन आप यहाँ पर खुश थे। जिस पर ओमनी मैन बोलता है, मैंने कभी भी इस कमजोर प्लेनेट को अपना नहीं माना, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मैं कीड़े मकोड़े समझता हूँ जिन्हें मुझे खत्म करने में कोई परेशानी नहीं है, और इन कमजोर लोगों के साथ रहते रहते तुम भी कमजोर हो चुके हो। अब मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि एक विल्ट्रमाइट कैसा होता है। और वो पूरे फोर्स से मार्क को कूटते हुए बोलता है, मैं फिर से शुरू करूंगा और एक नया बच्चा पैदा करूंगा। और मार्क को मारते हुए ओमनी मैन को वो पल याद आने लगता है जब मार्क का वो पहला मैच देखने गया था, और मार्क के जीतने पर ओमनी मैन काफी एक्साइटेड था। फिर प्रेजेंट टाइम में ओमनी मैन के हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। ओमनी मैन बोलता है, मान जाओ बेटे, 500 साल बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम सब कुछ खो चुके होगे। मार्क बोलता, सब कुछ नहीं, मेरे पास आप होगे डैड। ये सुनकर ओमनी मैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ओमनी मैन उड़ता हुआ प्लैनेट से बाहर चला जाता है। तभी जीडीए के लोग वहां पर पहुंचते हैं और मार्क को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि मोलर्स ब्रदर को जीडीए ने घेर लिया होता जिससे उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, और ओमनी मैन की तबाही को टीम समेटने की कोशिश कर रही होती है। फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है, मार्क की जब आंखें खुलती है तो डैबी बोलती, सब कुछ ठीक है बेटा,
तुम आराम करो मुझे कुछ काम है, और वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर डेविड जोर जोर से रोने लगते, तभी वहाँ पर सिसिल पहुँचते हैं। सिसिल बोलते हैं, तुम्हारे बेटे ने अच्छा काम किया है डेविड, और तुम्हारे पति मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जा चुके हैं। ओमनी मैन क्या था किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमने एक फेक फ्यूनरल रखा है। मैं चाहता हूँ मार्क और तुम भी वहाँ पर आओ। फिर हमें तीन टीम को दिखाया जाता है जो सच में एक टीम बन चुकी होती है, सभी अपने काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। फिर हमें विलियम को दिखाया जाता है। विलियम जब मार्क के घर पर पहुँचता है तो मार्क का घर बन पाता है, तभी वहाँ पर ई पहुँचते ई मार्क के बारे में विलियम से पूछते। विलियम बोलता है, लास्ट टाइम मार्क को अपने फादर ओमनी मैन के साथ लड़ते हुए देखा था। फिर हमें सिसिल को दिखाया जाता है जो मार्क के पास पहुँच कर बोलता, तुमने अच्छा काम किया बच्चे, तुम्हारी वजह से खतरा कुछ पल के लिए टल चुका है, अब उठो और मेरे पीछे आओ। मार्क को वो दिखाता है कि ये मेरी सीक्रेट लैबोरेटरी है, यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता है। और हाँ, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा क्योंकि हमें ओमनी मैन का रिप्लेसमेंट चाहिए। मार्क बोलता है कि मैं सुपर हीरो बनने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। सिसिल बोलता है, कोई बात नहीं बच्चे, जब तुम तैयार हो जाना तब मुझे बता देना। और सिसिल मार्क और डेबी को घर पर छोड़ कर चले जाते हैं। पर घर पर आते ही मार्क को अपने फादर की याद आने लगती है। मार्क जब अपनी मॉम से बात करने जाता है तो वो देखता है कि माँ रो रही है, तो वो दूर से ही बोलता है, मॉम मैं बाहर खाना लेने जा रहा हूँ। लेकिन गेट खोलते ही गेट के सामने एम्बर दिखती है, जो आते ही मार्क को गले से लगाकर उसे किस कर लेती है। मार्क बोलता है, तो मैं इस किस को हमारा पैचअप समझ सकता हूँ, जिस पर एम्बर बोलती है, हाँ अगर तुम चाहो तो मार्क। तभी वहाँ पर विलियम के साथ पहुँचता है। विलियम बोलता है, तुम्हें अच्छा देखकर अच्छा लगा मार्क, तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ लड़ता हुआ देखकर मैं तो डर ही गया था। तभी विलियम की नजर एम्बर पर पड़ती है और वो हिचकिचा सा जाता है, जिस पर मार्क बोलता है, भाई तेरी भाभी को पता है कि मैं ही इनविंसिबल हूँ, चलो कहीं और चलते हैं। वो लेके रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर विलियम बोलता है, तुम ठीक हो मार्क? तभी मार्क को सिसिल का कॉल आता है। सिसिल बोलते हैं, मार्क जल्दी से तुम्हें स्पेस में जाना होगा, और मार्क तुरंत स्पेस की तरफ निकल जाता है। मार्क को कोई अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो मार्क का दोस्त निकलता है। मार्क पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर वो बताता है, मार्क तुम्हारे प्लैनेट पर एक विल्ट्रोमाइट है, तुम्हारा प्लैनेट खतरे में है। जिस पर मार्क बोलता है, पता है, और मैं भी एक विल्ट्रोमाइट हूँ। और शॉर्ट में पूरी स्टोरी अपने दोस्त को बताता है, जिस पर वो बोलता है, तुम्हें पता है मार्क, कोई भी विल्ट्रोमाइट कभी हार नहीं मानता है, पर मार्क अब तुम्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही विल्ट्रोमाइट के लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे डैड यहाँ से जा चुके हैं, तो वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए किसी और विल्ट्रोमाइट को भेजेंगे। खैर, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कुछ गैलेक्सीज मिलकर विल्ट्रोमाइट्स के खिलाफ इकट्ठा हो रही है। जिस पर मार्क बोलता, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और चेन शिफ्ट होकर हमें मार्स दिखाया जाता है, मार्स पर जीनोसेक्ट्स ने मार्शियन पर अटैक कर दिया होता है। दूसरी तरफ दूसरी एलियन स्पीशीज जिसे ओमनी मैन ने हराया होता है, वो भी पृथ्वी पर अटैक करने के लिए तैयार होती है। और पृथ्वी पर मिस्टर भूखा मैन तो अपनी टीम तैयार कर ही चुके होते हैं। टाइटन के भी कुछ ऐसे ही इरादे होते हैं। फिर हमें टाइगर को एलियंस पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है। सिसिल आने वाले खतरे से पृथ्वी को बचाने के लिए खुद की साइबोटिक आर्मी तैयार कर रहे होते हैं। और दोस्तों, इस लास्ट एपिसोड के साथ ये सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और आप किसी नेक्स्ट सीरीज पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, जल्दी मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।